वी, मेरा डिवोर्स हो गया है। ऑल द बेस्ट काव्या। काव्या अब मेरी बीवी नहीं रही, पर अब भी मेरी दोस्त है। इसका ख्याल रखना मनराज, इसे खुश रखना, और अनुपमा जी के साथ जो कुछ भी किया है वो इसके साथ करने के बारे में सोचना भी मत। अपने काम से मतलब रख। जब भी तुम्हारी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है, जा रहा हूं। टेक केयर काव्या। वी, तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करोगे क्या? वी, मेरा डिवोर्स हो गया है, अब हम दोनों आजाद हैं वी, और कल हमारी शादी होने वाली है। गॉसिप सेशन चल रहा है तो हम स्नैक्स लेकर आ गए। और बाप, आपके लिए आपकी फेवरेट चिप्स। लो बा। तो क्या क्या मिस किया हमने? कोई पार्टी हो रही है क्या? पार्टी नहीं, शादी। काव्या ने अपनी शादी की डेकोरेशन के लिए आदि को कहा है, बस उसी की तैयारियां चल रही है। She's unbelievable. मैं तो नहीं जाऊंगा शादी में। शादी सिर्फ काव्या की नहीं, तुम्हारे पापा की भी है। मेरे हिसाब से तुम लोगों को अपने पापा की खुशी में शामिल होना चाहिए। और हमारी खुशी का क्या? बा, आप ही समझाइए। मैं क्यों समझाऊं? मैं खुद ही नहीं जाने वाली। जब हम ये शादी से खुशी नहीं है, जाने ही नहीं वाले, फिर क्या? तुझे जाना है तो जा, हम कोई नहीं जाने वाले। हाँ ठीक है, फिर जैसा आप लोगों की मर्जी। नॉक नॉक। कौन है? यहाँ का सबसे हैंडसम डॉक्टर, जो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ की चाय पीना चाहता है। हाँ, बेटी ने, मैं अब भी बनाती हूँ। I still can't believe it कि कल हमारी शादी हो रही है। Oh my God, I'm so excited। पता है, मैंने शादी के लिए ना 2-3 लोकेशन सिलेक्ट किए हैं, उनमें से एक फाइनल करके आज मैं रिसोर्ट वालों को बता दूंगी, ताकि वो शादी का मंडप लगाना और तैयारियां वगैरह करना शुरू कर दें। I am so excited. अच्छा भी, रुको, गाड़ी रोको। मैं स्वीट शॉप से सबके लिए स्वीट्स लेके आती हूँ। ओके, कितनी बुरी तरह फंस गया हूँ मैं। थैंक यू। ये दिखाइए। अरे वाह, क्या बात। मेरी सूरत में काकी है, उसकी पोती के इतने अच्छे बाल है। हा? तेरी बात चलाऊं, दोनों आपस में बाल बनाते इतने अच्छे लगोगे। इसी बात पर मैं सर्जरी कब होगी? जैसी सर्जन की डेट मिल जाएगी वैसी। मम्मी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग सब आपके साथ हैं। हाँ भाभी, आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा। घबराना किस बात का? मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ है, मेरी बहन है, और मेरे कान्हा जी हैं। तो आप लोग जरा भी चिंता मत कीजिए, हम इतनी जल्दी मैं दुनिया से जाने वाली नहीं हूँ। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। डांस एकेडमी खोलनी है, तोसु और किंजल के बच्चों को गोद में खिलाना है, मेरी स्वीट टूडी की शादी में डांस करना है, समर को कामयाब होते हुए देखना है, नंदिनी और समर की शादी करवानी है, तो बहुत कुछ करना है। बस बस बस, ऐसी पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, आपकी रिकवरी विल बी लाइक ऐसे। मेरा नाम तो लिया नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं करना है। करना है निभा, आपके साथ झगड़ा करना है, आपके ताने सुनने हैं। सुनती तो नहीं है मेरा कुछ, उल्टा मुझे सुनाती है। अब बेटी हूँ, इतना तो हक बनता है। अच्छा हाँ? तो माँ हूँ, इतना तो हक बनता है। आ,
कीजिए ना। किस खुशी में? बा, आज मेरा डिवोर्स हो गया है। लीजिए ना, प्लीज प्लीज। अनुपमा, मुझे पता है कि तुम्हें मेरे डिवोर्स की उतनी एक्साइटमेंट और खुशी नहीं है जितना कि मुझे तुम्हारे डिवोर्स की थी, मगर फिर भी मुंह मीठा करो ना। आज मेरा डिवोर्स हुआ है और कल मेरी शादी हो रही है। खाओ ना। पहले तो मुंह मीठा करो। आदि, प्लीज मेक श्योर सारी तैयारियां टाइम पे हो जाए। हाँ, डेकोरेशन से लेके केटरिंग तक, आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट एंड ब्यूटिफुल। ओके, समा नंदिनी, तुम दोनों डांस परफॉर्मेंस का ध्यान रखना। ओके, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। ऐसा कुछ करना कि शादी में धमाल हो जाए। आई डोंट वॉन्ट माई वेडिंग टू बी बोरिंग। ओके, टेक केयर ऑफ इट। बा, मैं मेहंदी वाली से लगवा लूंगी। आप बस बी को शगुन की हल्दी लगाने के बाद मुझे थोड़ी हल्दी भिजवा दीजिएगा। ओके, अभी अभी मम्मी पापा का डिवोर्स हुआ और अब पापा की शादी हो रही है। इतनी भी इवेंटफुल लाइफ नहीं होनी चाहिए ना। सिंड्रेला की स्टोरी में स्टेप मदर के बारे में पढ़ा था, पर तब सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी भी कोई स्टेप मदर होगी। लगता है भगवान हमसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। दो दो माएं दे दी। काव्या कभी मम्मी की जगह नहीं ले सकती। पर ऑफिशियली शी विल बी आवर स्टेप मदर। और मम्मी कह रही है हमें पापा की खुशी में खुश होना चाहिए। बट हाउ? हम पापा की खुशी में खुश कैसे हो सकते हैं? अभी तो मम्मी के बिना ही जीना नहीं सीख पाए हम। आई डोंट नो काव्या के साथ एडजस्ट करना कैसे सीख पाएंगे। मम्मी की जगह काव्या? नो वे, आई जस्ट, मुझे नहीं होगा। कुछ बदल रहा है। लाइफ 360 डिग्रीज घूम रही है। खुश लग रही है काव्या। पर मिस्टर शाह इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? वी, मेरा डिवोर्स हो गया है और कल हमारी शादी होने वाली है। काव्या से शादी रोकने के लिए मेरी बीमारी को बहाना मत बनाइए। वो मैदे की कटोरी के लिए मेहंदी पीसने से तो अच्छा है मैं उसका खून कर दूं और जेल चली जाऊं और वहां चक्की पीसूं। जय श्री कृष्ण बा, बड़ी खुश लग रही है। ये मेहंदी पीसते पीसते मेरे हाथ दुख गए। ये मेहंदी पीसते पीसते मेरे हाथ दुख गए। पहली बार में सुन लिया था बा। फिर क्या? सुन लिया था पर करूंगी नहीं। आप मिक्सी में पीस लीजिए ना। हाँ हाँ, पीस दूंगी पर तुझे नहीं कहूंगी। अब मुझ पे गुस्सा करना छोड़ दीजिए और अपनी नई बहू के लिए नए तानों की नई लिस्ट बना लीजिए। और हाँ बा, उसमें दो चार अंग्रेजी ताने भी डाल दीजिएगा। माइंड योर बिजनेस। बा, आपने इंग्लिश में भी ताने सीख लिए? हमारी पीढ़ी की सासुओं पर ठाकुर जी की विशेष कृपा है, हमें ताने सीखने नहीं पड़ते, अपने आप निकल आते हैं। वाह वाह। बा, वैसे समय मिले तो अपने बेटे से जरा बात कर लीजिएगा कि सब ठीक है ना। क्यों, क्या गड़बड़? नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है, बस इतना बड़ा खुशी का मौका है, सब ठीक से हो जाए बस।
मेरे चाहने से ठीक होता तो ना मैं यहाँ मेहंदी पीसती और ना तू घर के बाहर बैठती। मुझे अब इतना समझ में आ गया है, जो होना होता है वो होकर रहता है। शादी का मंडप सज गया, अब उसके ऊपर बारिश होनी होगी तो होगी। मेरे हाथ में क्या है? बारिश हमारे हाथ में नहीं होती बाप, लेकिन छतरी हमारे हाथ में होती। और ये फैसला भी हमारा होता है कि हमें छतरी खोलनी है या फिर बारिश में भीगना है। क्या बचपना है काव्या, कहाँ लेके जा रही हो मुझे? पहुंच गए वी, पहुंच गए। ये देखो वी। What is this? अरे वी, ये हमारे वेडिंग ड्रेसेस हैं वी। नाइस ना? इस शेरवानी में यू लुक लाइक अ प्रिंस, माय प्रिंस। पापा, आपका फोन। अच्छा हुआ तुम आ गई पाखी, अपने पापा की वेडिंग ड्रेस ले जाना। ओके ये लो पाखी, लो संभाल के। बाय वी। मैंने आज तक सिर्फ डैड्स को अपनी बेटी की शादी का जोड़ा देखकर इमोशनल होते हुए देखा है, पर कभी किसी बेटी को अपने डैड का शादी का जोड़ा लिए हुए नहीं देखा, तो समझ नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करूं। एनीवेज, मैं ये आपके रूम में रख रही हूँ। नंदिनी, मैं तुम्हें फोन ही करने वाली थी। नंदिनी, कल मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। ओके, I want to be the most beautiful bride ever. तो तुम तैयार होने में please, please मेरी मदद करना। देखो ये, this is my wedding dress, नंदिनी। कैसा है? Isn't it beautiful? Pink मुझे suit करेगा ना? What do you think? बताओ ना, अच्छा लगेगा ना मुझ पे? क्या हुआ? तेरा fuse क्यों उड़ा हुआ है? ऐसा कुछ नहीं बा। तो तू भी कूद कूद के नाच मैदे की कटोरी की तरह। तेरी भी तो शादी है ना, उसे देख के तो लगता है कि नाच नाच के यहाँ भूकंप ला देगी। अच्छा सुन, काव्या के लिए मैंने मेहंदी पीस ली है, मन तो नहीं था पर तेरी खुशी के लिए करना पड़ा। थैंक यू बा। पोते की बहू लाने की उम्र में बेटे की बहू ला रही हूँ। मुझे सोचते हुए अजीब लगता है, तुझे करते हुए अजीब नहीं लग रहा है? ऐसी नौबत नहीं आती बा। अगर अनुपमा ने मेरी बात सुनी होती तो। तूने सुनी थी? पहली बार जब दूल्हा बना था तो एकदम ठाकुर जी जैसा लग रहा था, और अब देख इस उम्र में शादी, और वो भी काव्या से। वो शायद अच्छी पत्नी बन जाए पर अच्छी बहू नहीं बन सकती। अरे उससे 3 बच्चों की माँ बनना है, किंजल की सास बनना है। जो बनना है बन जाएगी बा, उसे एक मौका तो दीजिए। तूने जितने मौके दिए उतने बहुत है, एक मौका तो दीजिए। अरे तुझे भी मन में पता है कि अच्छी बहू बनना, माँ बनना, सास बनना उसके बस की बात नहीं है। अरे अनुपमा तो क्या, अनुपमा की वो परछाई भी नहीं बन सकी। अरे जाने से पहले बता के तो जा। क्या बता जाऊं बा? यही कि तू ये शादी करना चाहता है कि नहीं, क्योंकि अभी तक ना मैंने तेरी खुशी देखी ना तेरी हाँ सुनी। देख, अगर मन में खुशी है ना तो बिना सोचे सेहरा पहन के अब भी ऊंट घोड़ा सोफे पे बैठ जा, पर अगर मन में थोड़ी सी भी उलझन है तो अभी भी मौका है, सोच ले। मासी, आपके लहंगे पे ये ज्वेलरी और ये बिंदी बहुत अच्छी लगेगी। आपके मेकअप लुक के लिए मैंने कुछ पिक्चर्स डाउनलोड करके रखे हैं, जस्ट हैव अ लुक एट इट। ओके, वाओ, यू गोना लुक ब्यूटीफुल। थैंक्स नंदिनी, सच्ची मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरी हेल्प करोगी। आई थॉट कि तुम मेरी हेल्प करने के बजाय
अनुपमा के साथ बैठकर उसके आंसू पोंछोगी? आंसू उनके पोंछे जाते हैं मासी, जो रो रहा हो। She is very happy. In fact, उन्होंने मुझे आपकी खुशी में शामिल होने के लिए कहा। Whatever. Anyway. अच्छा बताओ तो तुम और समर मेरी शादी पे कौन से गाने पे डांस कर रहे हो? I'm not sure, मासी. What do you mean I'm not sure? I'm not sure कि मैं आपकी शादी में आऊंगी भी या नहीं। What? अगर समर, पाखी और तोशु भाई आएंगे तो ही मैं आऊंगी, पर ना नहीं। किसने कहा कि वो लोग नहीं आएंगे? उन्होंने खुद कहा। जामुन 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 जामुन, ताजे ताजे जामुन, चलो खाओ। मम्मी, आप फिर पेड़ पर चढ़ी? नहीं, ये तो नीचे गिरे हुए थे, उसमें से अच्छे अच्छे चुन चुन कर लाई हूँ। झूठ। चला, नीचे वाली डाल पे चढ़ी थी। पाँव फिसल जाता तो? चोट लग जाती तो? मूंछ आ जाती तो? वो सॉरी, बड़ी बड़ी सॉरी, मैंने सोचा कि क्या पुई, इतनी जल्दी हंसना जरूरी था क्या? हम थोड़ी देर और डांट लेते। Life में first time तो चांस मिला था। मम्मी, आप मुझे पेड़ पर चढ़ना सिखाओ। जा रहा भी नहीं, नीचे गिर गया और चोट लगी। किलो खाओ। भाभी, आप इतनी नॉर्मल कैसे हो सकती है? मतलब भाई शादी कर रहे हैं, आपको बुरा नहीं लग रहा? जब बुरा लगना चाहिए था तब लगा था, अब फर्क नहीं पड़ता। पर मम्मी, आप उन्हें बोल सकती थी ना कि यहाँ आपके सामने शादी ना करें। एग्जैक्टली, वो अहमदाबाद वापस जाके भी तो शादी कर सकते थे ना। पर ये बात उन्हें सोचनी चाहिए थी ना, इतना तो वो सोच सकते थे कि यहाँ पे हम मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए आए, उनकी शादी के लिए नहीं। सो इनसेंसिटिव। अभी डिवोर्स हुआ है, अभी शादी हो रही है, सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। लगना नहीं चाहिए। मैंने अपनी खुशी के लिए तलाक लिया, वो अपनी खुशी के लिए शादी कर रहे हैं, फिर मैं सही और वो गलत कैसे? पर इतनी अर्जेंसी क्या थी कि कल ही शादी रख ली? जाने दीजिए ना डोली बहन, छोटी सी तो जिंदगी है, कौन क्या करता है, क्यों करता है, ये देखने सोचने के बजाय अपनी खुशी पे ध्यान देते हैं ना। और वैसे भी गुरु जी ने मुझे खुशी का महामंत्र सिखाया है, इग्नोर आए और नमः। मुझे इग्नोर सब का मतलब भी समझा दिया है। बोलो। मम्मी, आप सच में शादी में जाएंगे? हाँ तो, कितने दिनों से शादी का खाना नहीं खाया मैंने। मम्मी, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं ओके हूँ, इसलिए तो सोच रही हूँ कि कल तुम लोग क्या पहन कर जाओगे। हम में से कोई भी शादी में नहीं जा रहे मम्मी। क्यों? तुम्हारे पापा पति भले ही अच्छे ना, लेकिन पिता वो बहुत अच्छे है। तुम तीनों को पलकों पे बिठा के रखा है उन्होंने। अगर तुम लोग उनकी खुशी में शामिल नहीं होगे तो उन्हें बुरा लगेगा ना। मेरे ख्याल से तुम तीनों को जाना चाहिए, सुख हो या दुख, अपनों का साथ तो सबको चाहिए होता है। पर हम खुश नहीं है मम्मी। तो उनके खुशी के लिए चले जाओ जो खुश है। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।